दिव्यांग छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा को उभारने के उद्देश्य से हमीरपुर में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 100 मीटर रेस, म्यूजिक चेयर, चम्मच रेस, पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बाद में बाल स्कूल प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर ने प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में 50 के करीब दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया। दिव्यांग छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा को उभारने के उद्देश्य से हमीरपुर में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 100 मीटर रेस, म्यूजिक चेयर, चम्मच रेस, पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बाद में बाल स्कूल प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर ने प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में 50 के करीब दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया। बाल स्कूल प्रिंसिपल मंजू ठाकुर ने बताया कि दिव्यांग बच्चों के लिए खेल कूद प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 50 के करीब छात्रों ने हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में पहले से आठवीं तक पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया है। आज हमने राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में अपने हमीरपुर ब्लॉक के दिव्यांग बच्चों के लिए, जो कि फर्स्ट से लेकर एट्थ क्लास तक पढ़ते हैं, ब्लॉक स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें हमारे लगभग 35 के करीब जो है वो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें बच्चों की हमने जो खेल कूद प्रतियोगिता हम करवा रहे हैं, ये 100 मीटर रेस, एक नॉर्मल रेस, स्पून रेस, जलेबी रेस, एक म्यूजिकल चेयर और म्यूजिकल चेयर कंपटीशन, साथ में बच्चों के जो जो बच्चे ड्राइंग में अच्छे हैं, पेंटिंग में अच्छे हैं, उन बच्चों का जो है वो हम ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन जो है वो करवा रहे हैं। इन बच्चों को जो भी हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करेंगे, उन बच्चों को हम मोमेंटोज दे रहे हैं, और साथ ही जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कॉपियाँ और अन्य प्राइजेज जो हैं वो हमने रखे हैं। इन बच्चों के लिए हमने लंच का भी प्रावधान किया है। ये जो प्रतियोगिताएं हैं, इन जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दिव्यांग बच्चे जो हैं, क्योंकि ये भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है, और नॉर्मल बच्चों की तरह जो हैं ये बच्चे भी अपने आप को छोटा ना समझें, जैसे हमारे नॉर्मल बच्चे प्रतियोगिताओं में कम्पीट करते हैं, वैसे ही हम कोशिश करते हैं कि ये बच्चे भी इन खेलों के माध्यम से जो है एक अच्छी शिक्षा जो है वो प्राप्त करें। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।